हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। कौन सा चैनल पढ़ रहे हैं? पावर पॉइंट स्टडी। पावर पॉइंट स्टडी ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। और आज है 7 दिसंबर और हम पढ़ेंगे 6 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। यस बैंक द्वारा, यस बैंक ने, जो कि अभी गिरावट में चल रहा है, यस बैंक द्वारा नेशनल नेशनल पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने क्या, यस बैंक द्वारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 6 दिसंबर को एक नया ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। मतलब यस बैंक ने इनके द्वारा एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इन्होंने, यस बैंक ने एक नया ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया मतलब इस कार्ड की कुछ खासियत होंगी जो कि बताया नहीं गया। मतलब ये एक कार्ड को लॉन्च करना चाहती है जो कि वीआईपी और मतलब पैसे, मतलब जो जिनके पास अकाउंट बैलेंस ज़्यादा होता है ना, उन लोगों के लिए, कि इस कार्ड के द्वारा ये बिना पिन और मतलब कुछ लिमिट के द्वारा, कुछ बिना पिन डाले कुछ लिमिट तक ये शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारी और अधिकारिता मंत्री कौन है? सामाजिक और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनके द्वारा क्या किया? वीरेंद्र कुमार ने इन्होंने क्या किया, 6 दिसंबर को छात्रों के लिए कौन से, हाई स्कूल के छात्रों के लिए, हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना का निर्णय लिया। कौन सा? आवासीय शिक्षा योजना, शिक्षा योजना का बोलिए इन्होंने। सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 6 दिसंबर को हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। जिसमें यह घर पे मतलब लोग, जो हाई स्कूल के जो छात्र हैं, जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आवासीय मतलब आवास में, उनके आवास में स्थित टीचरों द्वारा इनको शिक्षा दी जाएगी एक जगह इकट्ठा होकर। मतलब इकट्ठा मतलब इस तरीके से शिक्षा दी जाएगी कि मतलब इन लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो वो प्रॉब्लम उन टीचरों द्वारा सॉल्व की जाएगी, ठीक है। यह योजना नई दिल्ली में कहाँ पे अभी लागू की गई? यह योजना नई दिल्ली में कहाँ पे? नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ हुआ। कहाँ और किसके उपलक्ष्य में? क्यों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर इस चीज़ को शुभारंभ किया गया। और महा और इस दिवस को कौन सा मनाएगा? महा परिवर्णी निवारण दिवस के रूप में मनाया गया। किसके उपलक्ष्य में, किसकी पुण्यतिथि में? ये बनाएगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि के रूप में इस चीज़ को मनाया गया, ठीक है।
इस योजना का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि के रूप में इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, केंद्रीय आयुष मंत्री, मतलब केंद्र के आयुष मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? केंद्र के आयुष मंत्री कौन है? सर्वानंद, सर्वानंद, सोने वाले, सोनू वाले ने 5 दिसंबर 2021 को, 5 दिसंबर 2021 को मणिपुर के मोर में 50 बिस्तरों में एकीकृत आयुष्मान अस्पताल की, इन्होंने 50, कहाँ पे? मणिपुर में, मणिपुर में इन्होंने क्या किया? मणिपुर के मोहर में, मणिपुर के मोहर में 50 बेड का बिस्तर का अस्पताल, अस्पताल का उद्घाटन किया। किसने किया? केंद्रीय आयुष्मान मंत्री सर्वानंद सोनोवाला ने मणिपुर के मोहन में 50 बिस्तरों का आयुष्मान अस्पताल का उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें एकीकृत कौन सी योजना का? एकीकृत आयुष्मान, इस अस्पताल का क्या नाम है? एकीकृत आयुष्मान, आयुष्मान अस्पताल के तहत इसमें 50 बिस्तरों का अस्पताल किया गया। ठीक है, मंत्रालय ने राज्य में, मतलब केंद्रीय आयुष्मान मंत्रालय द्वारा राज्य में ये पॉइंट है इसके, राज्य में क्या क्या उन्हें 15 आयुष औषधियालय, मतलब औषधि, औषधियालय, 15 औषधियालय के साथ 10 बिस्तर, मतलब 10 बेड बिस्तर वाले अस्पताल, मतलब जी 10 बिस्तर वाले अस्पताल, अस्पताल अस्पताल और 100 स्कूल हर्बल गार्ड, उसमें क्या क्या होना चाहिए देख जाना, इसको मिटा दें। इसमें क्या क्या चीज़ और होनी चाहिए? इसमें 100 स्कूल हर्बल हब, हर्बल गार्डन, हर्बल गार्डन और 10 नर्सें, 10 नर्सी नर्सरी और 50 स्वास्थ्य कल्याण और कल्याण, विकसित करने वाले का निर्णय, मतलब इसमें 10 नर्सरी और 50 स्वास्थ्य और कल्याण योजना की, कल्याण योजना को विकसित करने वाले, मतलब विकसित करने वाले ये 50, मतलब 50 स्वास्थ्यकर्मी होने चाहिए। इसमें क्या है? केंद्रीय आयुष्मान मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने मणिपुर के मोहर में 50 आयुष्मान एकीकृत बिस्तर का अस्पताल का शुभारंभ किया। इन्होंने राज्य में, इन्होंने बताया कि केंद्रीय आयुष्मान मंत्रालय द्वारा राज्य में 15 आयुष्मान औषधालय और 10 बिस्तर वाले अस्पताल और 100 स्कूल हर्बल गार्डन होने चाहिए और 10 नर्सरी मतलब पेड़ वाले पेड़ पौधे और 50 स्वास्थ्य एवं कल्याण कर्मचारी होने चाहिए। ठीक है, और मणिपुर में इसमें पौधे भी कितने होने चाहिए? मणिपुर में भारत में सबसे अधिक औषधियालय, मतलब मणिपुर में भारत का सबसे अधिक, किसमें सबसे ज़्यादा अधिक? भारत की कितनी? भारत की 6,000 से, 6,000 में से 1,000 औषधि
औषधियों के पौधे स्थित है मणिपुर। भारत के सबसे ज़्यादा अधिक औषधि के पेड़ मणिपुर में उगते हैं। भारत में 6,000 में से 1,000 औषधि पौधे मणिपुर में उगाए जाते हैं। ठीक है, ये भारत का सबसे औषधि वाला केंद्र है एक तरीके से, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे औषधियाँ उगती हैं। ठीक है, 6 दिसंबर को, ठीक है, क्या हुआ, 6 दिसंबर को पहली मंत्री त्रिसतीय वार्तालाप शुरू करते हुए, मतलब भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्तालाप शुरू करते हुए भारत ने रूस के साथ 2 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने, इंडिया ने और रूस ने दो मंत्री स्तरीय वार्तालाप की शुरुआत में भारत ने और रूस के साथ 2 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये 2 बड़े समझौते कौन कौन से हैं? यूपी की अमेठी में एक संयुक्त उद्यम के तहत क्या किया गया, उद्यम के तहत 6 लाख बहुत ज़्यादा मतलब संख्या AK-203 राइफल निर्माण का अनुमोदन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, कितनी, यूपी के अमेठी में संयुक्त उद्यम में 6 लाख AK-203 राइफल बनाने की शुरुआत की भारत और रूस के द्वारा। मतलब यहाँ पे रूस फैक्ट्री डालेगा इंडिया में, यूपी के अमेठी में संयुक्त रूप से उद्यम करने के लिए 6 लाख AK-203 राइफल बनेंगी। ठीक है, इस पर अनुमोदन के निर्माण पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, बांग्लादेश कब हुआ था, आज ही के दिन बांग्लादेश क्या हुआ था, नवगठित देश बांग्लादेश को भारत ने आज ही के दिन 6 दिसंबर 1971 में आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश 6 दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी से 10 दिन पहले क्या किया, इसे एक देश का दर्जा दे दिया। किसको दे दिया, बांग्लादेश को। भारत ने 6 दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी के 10 दिन पहले 6 दिसंबर को बांग्लादेश को एक देश की मान्यता के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, इस नवगठित देश में 1971 में यह बांग्लादेश नवगठित देश में बांग्लादेश द्वारा मान्यता देने व को चिन्हित के रूप के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि भारत और बांग्लादेश, जब भारत ने बांग्लादेश को 10 दिन आज़ादी से 10 दिन पहले इसको मान्यता दी, तो इस दिवस को मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, मार्टी डीच और ग्रेट बेट्रेन, इन्होंने क्या किया, मार्टी डीच और ग्रेट बेट्रेन ने लुईस हैमिल्टन ने 500 मार्टी डीच और ग्रेट ब्रिटेन के लुईट हैमिल्टन ने 5 दिसंबर को जिदाई सऊदी अरब में जिदाई कॉर्नर सर्किट में इन्होंने क्या जीता, FI ग्रैंड प्रिपेक्स जीता। ये कहाँ पे, सऊदी अरब में
मतलब मार्टिनिक और ग्रेट ब्रिटेन के लुईट हैमिल्टन ने जिदाई जो कि सऊदी अरब में स्थित है, इन्होंने कहा कि एफआई ग्रेट फ्रिक्स का प्रेक्स को जीता। ठीक है, सऊदी अरब ने मतलब इस साल पहली बार सऊदी अरब ने एफआई ग्रेट किसकी, सऊदी अरब ने पहली बार सऊदी अरब ने किसका फॉर्मूला वन ग्रांट का क्या किया, इन्होंने पहली बार मेजबानी की, मतलब सऊदी अरब ने पहली बार फॉर्मूला वन ग्रांट की मेजबानी की। ठीक है, और यह 104 साल, कितना 104 साल वा किताब, 104 साल वा किताब था जो उन्होंने 2008 में जीता था, मतलब इन्होंने पहले 2008 में पहला किताब जीता था, पहला जीता था। और भैया कौन सा है दूसरा, उन्हें 104 साल बाद, मतलब 104 साल बाद किताब था, मतलब जे 104 साल बाद किताब था, इससे पहले इन्होंने 2008 में एक पहला किताब इन्होंने जीत लिया और अब ये दूसरा किताब ये जीत चुके। ठीक है, अभी बताया 6 दिसंबर को किस महापरिणी, रुकना एक मिनट, इसको भी मिटाना पड़ेगा, चलो रहने दो, मिटा दे रहे। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस में क्या क्या, मतलब वो उन्होंने सरकार ने किस किस क्या क्या चीज़ें थी, 6 दिसंबर को किसके रूप में मनाया गया, महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, यह दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया गया, डॉक्टर वी आर अंबेडकर की पुण्यतिथि। ठीक है, बी आर अंबेडकर के पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया। ये कौन थे, इस संविधान के जनक थे, कौन थे संविधान के जनक, इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इन्हें संविधान का जनक भी जाता करा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चीज़ रखी, इनका अंतिम कार्य होने से पहले, अंतिम कार्य मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम कार्य, मतलब मरने के पहले जो इनका अंतिम कार्य था उसके पहले उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, स्वीकार कर लिया था। किसको, बौद्ध धर्म को, किनने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ने अपने मरने से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और इनको बी आर अम्बेडकर को 1990 में क्या मिला, भारत रत्न, इनको क्या मिला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, भारत और मालदीप, भारत और मालदीप ने एक युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ये है, इक्वेरियन का। ठीक है, भारत और मालदीप ने एक अभ्यास किया है, यह अभ्यास जल थेना जमीनी और समुद्री दोनों, यह अभ्यास जमीनी और समुद्री दोनों तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझने और आतंकवाद को खत्म कर विरोध आतंकवाद को विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियान के आदि के संचालन हेतु यह किया गया, किसके, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, इसका ये थीम होगा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और समझने और विरोध दोनों में किया, मतलब इनको समझने की ये किस तरीके से आतंकवाद फैलाते हैं, समझने और विरोध के लिए भारत और मालदीप ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, भारत और मालदीप ने एक अभ्यास किया। ठीक है, यह अभ्यास अभी चल रहा है और यह कब खत्म होगा, यह हो गया 19 दिसंबर 2021 को ख़त्म होगा यह अभ्यास, दोनों देशों के जमीनी और समुद्री पर, मतलब भारत के लोग मालदीप पे भी करेंगे और मालदीप भारत में भी इस चीज़ के ऊपर क्या हो गया, युद्ध अभ्यास होगा, और ये अभ्यास का नाम क्या है, युद्ध अभ्यास का नाम ये है। ठीक है, ये 19 दिसंबर का इसका लास्ट
वो होगा, यह कौन सा संस्करण है, यह 11वां संस्करण है, 11वां संस्करण, कौन सा संस्करण है, यह 11वां संस्करण है, ठीक है। फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना ना भूलें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धानी, उत्तराखंड के सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर कौन है, पुष्कर सिंह, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब क्या बताया, इन्होंने बताया कि उमेनिया, इन्होंने क्या बताया, ओमिक्रॉन के कहर से बचने के लिए उत्तराखंड सरकार के सीएम पुष्कर सिंह धामानी ने धामी ने बताया कि यह हर रोज 25,000 टेस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब रोज 25,000 टेस्ट का लक्ष्य रखा है, और रेडिंग टेस्टिंग होगी मतलब सब लोगों की टेस्टिंग होंगी, जिसमें कि इस वायरस के खतरे को रोकने के लिए इन्होंने रोज की 25,000 की टेस्टिंग होगी, और इस 25,000 टेस्टिंग में जो भी व्यक्ति संक्रमित पाया जाएगा उसको अंदर कर लिया जाएगा, मतलब उसको सुरक्षित करके, मतलब उसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, अस्पताल या कहीं पर भी उसको रखा जाएगा। और उत्तराखंड के सीएम ने इस चीज़ की पहले घोषणा की, भारत में पहली घोषणा जिसमें उत्तराखंड के सीएम ने बताया है कि हम 25,000 टेस्टिंग रोज करेंगे, इसका लक्ष्य रखा है अभी, मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को टीम को हराया, ठीक है, एक क्या हुआ, अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी, अर्जेंटीना ने किसमें हराया, FTH हॉकी जूनियर, हॉकी जूनियर में अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी की टीम ने FTH हॉकी जूनियर टीम ने किसको, जर्मनी को, अर्जेंटीना में जीत गई और जर्मनी को हरा दिया गया, ठीक है। और दूसरी बार अब अर्जेंटीना ने पुरुष जूनियर को हराया जो कि 14 स्थान पर था, और दूसरी बार इन्होंने क्या किया, पुरुष जूनियर, मतलब ये दूसरी बार हरा है और अब जे क्या बोलते चौथे स्थान पर रहा, ठीक है, इसमें FTH में हरा। Thanks, friends.